हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल तरीके से मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ज़ीरा। इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज। इसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज का टमाटर। थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर मैं 3 हरी मिर्च डाल रही हूँ। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल ली है, फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च, बैंगन, कुंगरू। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। सारी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं फूल गोभी भी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी हरी मटर ली है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से 1/2 चम्मच। अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। तो ये अभी 50% कुक हुई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 मैगी मसाला। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। साथ ही साथ मैं इसमें 2 आलू भी डाल दूंगी। और उसके बाद हम फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे लीड लगा के हम 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो देखिए, ऑलमोस्ट हमारी मिक्स वेजिटेबल बन के रेडी है। थोड़ा सा इसे हम भूनने के बाद गैस बंद कर देंगे। तो देखिए, गर्मा गर्म सब्ज़ी बन के रेडी है। इसे आप गर्म गर्म रोटी, पूरी, नान के साथ इंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
इसी तरह मैं आपसे मिलूँगी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।